साहिब जाने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार से एक सिख जत्था रवाना किया गया। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व को लेकर हरिद्वार में एक जत्था पाकिस्तान के नानक साहिब गुरुद्वार के लिए रवाना हो गया। सभी श्रद्धालुओं का हरिद्वार ज्ञान गोदी कमेटी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। ज्ञान गोदी गुरुद्वारे के अध्यक्ष हरजीत सिंह दुआ ने बताया कि लगातार राज्य और केंद्र सरकार से गुरु नानक देव के द्वारा स्थापित ज्ञान गोदरी गुरुद्वारे को बनाने की मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं जत्थे में जा रहे श्रद्धालुओं ने सरकार से आस लगा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द सिख समुदाय को भूमि आवंटन कर सौगात दे। 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित इस बार सरदार गुरमीत सिंह जी नीतू और सरदार सत्येंद्र सिंह जी बिल्लू बिजनौर की समूह सासंगत को श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान की जत्था लेकर के जा रही है। और इस यात्रा में जो सबसे पहला पड़ाव है गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी हरिद्वार के अंदर है, और बिजनौर जिले की समूह सासंगत ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि इससे पहले सरदार हरपाल सिंह जग्गी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड, सरदार सुरेंद्र सिंह फलोदिया प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड उत्तर प्रदेश, उन्होंने भारत सरकार से ये मांग की है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी हरिद्वार में जो ये गुरुद्वारा अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, इसको पूर्ण रूप बनाने के लिए भारत सरकार से मांग की है। यात्रा आई है जो पाकिस्तान में नाना साहब जा रही है, उसका स्वागत करता हूँ। बहुत जोश शोर से वो संगत आई है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि वो संगत का जो यात्रा है पाकिस्तान की वो सफल हो, और वहाँ जा के जैसे उन्होंने भी कहा है कि गुरुद्वारे ज्ञान के उनकी वो अरदास करेंगे, तो अरदास करेंगे जब पाकिस्तान में गुरु नानक जी का जो गुरुद्वारा है वहाँ जब अरदास करेंगे, ये गुरु नानक देव जी का ही गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा ज्ञान जी गुरुद्वारा के लिए जब गुरु नानक साहब पहली उदासी में आए थे, तो उन्होंने जो पंडितों से चार वर्ष किया था, ज्ञान गोष्ठी करी थी, उसी के नाम से ये गुरुद्वारा ज्ञान गोष्ठी है, ज्ञान गोदड़ी है। और उन्होंने शिक्षा दी थी कि आप बुजुर्गों की माता पिता की सेवा जो है उनके जीवन काल में करिए, उनके स्वर्गवास होने के बाद वहाँ कुछ नहीं पहुँचता है। मैं जाने के लिए पासपोर्ट की वैधता खत्म कर दी है, जिसके लिए हम पाकिस्तान के सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि इससे जल्द से जल्द संगत जो है सरकार का दर्शन करेगी, जो गुरु नानक की चरण छोह धरती है। वाहेगुरु जी का खालसा। धर्मनगरी हरिद्वार से ममता को शर्मसार करने वाली एक खबर।